महोबा में बीते दिन बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के पुत्र सहित तीन लोगों द्वारा क्रेशर मुनिफ की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी द्वारा पीड़ित परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए डीएम से मृतक के शव का तीन डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग के साथ साथ मृतक के परिवार को सुरक्षा दिए जाने और हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। मृतक के परिवार ने अपनी जान माल का खतरा बताते हुए सभी आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई कर जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि बीते दिन कवरेई थाना क्षेत्र के भगवा इलाके में संचालित स्वामी रॉक क्रेशर प्लांट में काम करने वाले मुनीफ चुनुबाज साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष दीप प्रकाश त्रिवेदी के पुत्र आदर्श त्रिवेदी, उसके साथी प्रांजल त्रिवेदी और एक अन्य अज्ञात पर लगा है। कवरेई पुलिस ने मृतक परिवार की तहरीर पर तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। चूंकि हत्या का आरोप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष के पुत्र पर लगा है और दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर अब विपक्ष भी खुलकर सामने आ चुका है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता योगेश यादव के नेतृत्व में इकट्ठा हुए परिवार ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्रदर्शन किया और एक लिखित प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को देते हुए मृतक के शव का तीन डॉक्टर के पैनल में पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। युवक की मौत संदिग्ध बताई जा रही है, जिसको लेकर अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में मृतक के परिवार को सुरक्षा दिए जाने के साथ ही नामजद हत्या आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष द्विवेदी जी है, उनके बेटे ने आदर्श द्विवेदी ने क्रेशर मुनीम चुनवाज साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज पीड़ित परिवार को लेके हम और डीएम से मिले और एसडीएम से मिले कि जो पोस्टमार्टम होना है वो तीन डॉक्टरों के पैनल में पोस्टमार्टम हो, और हमारी ये भी मांग है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुकदमा 302 का पंजीकृत हो चुका है, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, 302 का मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी कर जल्द जेल भेजा जाए और जो परिवार है उनके बेटे उन्हें सुरक्षा प्रदान कराए जिला प्रशासन। ये बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष है और उनका बेटा है आदर्श द्विवेदी, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी है और पदाधिकारी है। उसने क्रेशर के जो मुनीम है चुनवाज साहू इसकी कल गोली मार के हत्या कर दी थी। कोई विवाद नहीं है और वो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये सत्ता में इतने मदान हो चुके हैं कि ये आम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं, ये गोली को पटाखा समझ रहे हैं। लोगों की जान इनके लिए कोई कीमती नहीं, ये लोग लगातार हत्याएं और गुंडा गर्दी चरम पर किए हुए, ये जैसे कल की घटना इन्होंने गोली मार के एक मुनीम की हत्या कर दी, ये सत्ता में मदान है, चूर है। पहले हम जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया प्रार्थना पत्र कि आप डॉक्टरों का तीन डॉक्टरों का पैनल बनाए, उससे पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों का पैनल करेगा। तो उन्होंने एसडीएम महोदय को लिखा मार्क करके, तो हम अभी तत्काल एसडीएम महोदय से मिले हैं और उन्होंने कहा कि हाँ तीन पैनल बनवाया जाएगा, पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम हो, जब तक पोस्टमार्टम हो हमारी मांग है कि तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी हो, जेल भेजा जाए और परिवार को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है, सरकार के लोग हैं, अपराधी सरकार के लोग। हम सड़कों पे परिवार को न्याय दिला के रहेंगे, समाजवादी पार्टी परिवार के साथ है और समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिला के रहेगी चाहे जिस हद तक जाना पड़े। वो है कि जो पोस्टमार्टम होनी है उनका, उनकी मांग है कि वो तीन डॉक्टरों के पैनल से हो, तो डीएम साहब को इन्होंने पत्र लिखा था, डीएम साहब ने हमें लिखा था कि एसएचओ से रिपोर्ट लेकर कार्रवाई की जाए, तो हमने लिख दिया सीएमएस साहब को कि तीन डॉक्टरों के पैनल से ही इसका पोस्टमार्टम कराया जाए।